बिहार में एक ऐसा ऐतिहासिक बेतिया सागर पोखर शिव मंदिर है जहां हर साल 1 लाख से अधिक शिव भक्त शिव बारात में शामिल होते हैं। इस बार महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारी की गई है। अयोध्या, काशी, प्रयागराज और उज्जैन से 500 विद्वान पंडित बुलाए गए हैं। न्यूजीलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता और बेंगलोर से विशेष पुष्प मंगाए गए हैं। मुंबई से कुणाल मिश्रा, पायल मुखर्जी के साथ देश के अलग अलग कोने से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सैकड़ों कलाकार आ रहे हैं। हर 4 घंटे पर भगवान शिव का श्रृंगार किया जाएगा। कमल का फूल, धूप, गुलाब का फूल, रुद्राक्ष, भस्म से श्रृंगार किया जाएगा। शिवरात्रि में 4 बार अभिषेक और 4 बार श्रृंगार किया जाएगा। शिवरात्रि के उपलक्ष में पूरे शहर में शिव बारात के स्वागत में 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। बिहार के बेतिया के इस शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बारात में शामिल होने वाले बिहार सहित नेपाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, झारखंड, बंगाल से भी शिव भक्त शामिल होते हैं। सबसे पहले तो पूरे बेतिया नगरवासियों को हर हर महादेव। कल ये जो शिव बारात निकलेगी ये एक ऐतिहासिक रूप में होगी और हर साल की बात थी इस साल भी हमारे यहाँ उज्जैन से, काशी से सैकड़ों विद्यमान पंडित जी लोग आए हुए हैं और विशेष रूप से जो संध्या जो जागरण का कार्यक्रम होता है उसमें मुंबई, बेंगलोर और जगह जगह से कलाकार लोग आए हैं जो प्रस्तुति देंगे। और इस बार जो सबसे अनोखा रहेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अनोखा शिव बारात में रहता है, तो इस साल अनोखा रहेगा कि 2 लाख से भी अधिक दिया पूरे बेतिया पश्चिमी चंपारण में जलाया जाएगा कल शिव बारात के शुभ अवसर पे। और ऐसा लगता है कि कल जो शिव बारात निकलेगा दूर दराज से, चंपारण ही नहीं, दूर दराज से, नेपाल से, बंगाल से, शहर के आसपास के जितने कोने से हैं सारे शिव भक्त आते हैं और बारात में लाखों लाखों की संख्या में सम्मिलित होकर शिव इस बारात को सफल बनाते हैं। लगभग 10 साल से यहाँ भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शक को बताना चाहूँगा कि यहाँ भंडारा का आयोजन भी किया जाता है, जो कि लगभग ऐसा बताया जाता है कि 60,000 से 80,000 लोग आते हैं जो बाबा के प्रसाद के रूप में यहाँ ग्रहण करते हैं। और खुशी की बात यह है कि साल में एक ऐसा एक दिन बनता है जो सागर पोखरा के लिए, मैं यूँ कहूँ एक शब्दों में, तो स्वर्ग के जैसे बना दिया जैसा है, जैसे कि आप वीडियो में बैकग्राउंड में मेरा देख सकते हैं। और हम लोग को ज़्यादा खुशी होता है क्योंकि यहाँ के अस्थायी निवासी हैं और प्रतिदिन एक सुनसान की तरह दिखता है, लेकिन एक दिन यहाँ महाशिवरात्रि को एक भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, जो सारा क्रेडिट मुझे लगता है कि अमित भैया को जाना चाहिए। शुरुआत वही किए थे और आज तक कंटिन्यू रखें, जो कि बहुत ही हमारे हिंदुत्व के लिए खुशी की बात है और गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि चंपारण लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का भव्य कहीं नहीं होता होगा। तो सारे शिव भक्तों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आएँ और ये महापर्व शिवरात्रि का आयोजन किए और यहाँ बारात भी निकलता है, बारात में भी शामिल हों शिवरात्रि का। इस बार जो शिवरात्रि का व्यवस्था किया गया है सागर पोखरा मनोकामना शिव मंदिर पे, विशेष तरह श्रृंगार पे ध्यान दिया गया है। 24 घंटे में 4 बार श्रृंगार किया जा रहा है, गुलाब के फूल से, कमल के फूल से, रुद्राक्ष से, खोआ से, और दूर दूर से पंडित जी आए हुए हैं, जैसे अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, काशी हो गया, हर जगह से लोग आए हुए हैं शिव तांडव के लिए। इस साल पूरे बेतिया में हर घर में दिया का व्यवस्था किया गया है और क्या बोलें, बहुत ही सुंदर। आप लोग से निवेदन है कि बेतिया में आएँ और सागर पोखरा शिव मनोकामना शिव मंदिर में आके प्रसाद का ग्रहण करें। यहाँ पे लगभग आज 10 सालों से एक महाभव्य तरीका से बारात निकाला जाता है, जो भोलेनाथ महादेव की मतलब हर एक साल की भांति इस साल भी एक बहुत भव्य तरीका से बारात का आयोजन किया गया है, जो यहाँ पे लाखों की संख्या में बोला जाए तो दर्शकों की काफ़ी भीड़ होती है, जो कि एक देखने लायक होता है यहाँ का दृश्य सागर पोखरा बेतिया से। और हम लोग यहाँ के लोकल हैं तो हम लोग जानते हैं, और एक बहुत अच्छा यहाँ का भव्य दिखाई देता है।